खबर अजमेर से है, जहां श्रीनगर रोड पर शॉर्ट सर्किट के चलते किराने की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने के दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस आग में करीब 80 लाख रुपए के नुकसान की संभावना बताई गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। जी आपको बता दें कि अजमेर में एक बड़ी किराने की शॉप में अचानक से आग लग गई और आगजनी की इस घटना से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया और दुकान के मालिक के मुताबिक इस 80 लाख का नुकसान बताया गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां और साथ ही पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया, लेकिन जब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। बजे में सूचना मिली कि मर्दंग के पास निशान प्रोविजन स्टोर में आग लग रही है। इसकी सूचना मिलते ही हम एक गाड़ी लेके आए, यहाँ आके देखा कि आग बहुत ज्यादा थी, जिसको देखते हुए हमने दो भैया और मौके पर बुलाई और आग भयंकर थी जिसको बुझा दी गई है। अब